जय हिंद डियर। चलिए आज हम लोग आपको बताते हैं कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट में क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो सर इसमें हम आपको चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो 23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सर वो चार क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हो चार क्वेश्चन क्या है। तो सर प्रिंसिपल और मैनेजमेंट में आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंटिफिक है ना मैनेजमेंट। तो सर एडवांटेज 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा एंड डिसएडवांटेज भी 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। सर इससे क्या होगा, अगर सर दोनों आया तो आप दो दो पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर सेपरेट आया खाली आपसे एडवांटेज पूछा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या, तो आपको उस समय 4 पॉइंट लिखिएगा। अगर केवल डिसएडवांटेज आया तो केवल आप डिसएडवांटेज लिखिएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है। एंड तीसरा पढ़ना है आप लोगों का सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, राइट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ टेलर और फेयोल। सर इस चैप्टर में पता ही होगा आपको टेलर एंड फेयोल, फेयोल का 14 14 प्रिंसिपल है। तो सर आपको ये टेलर का 6, तो आपको यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें से 4 ठो और इसमें भी 4 आप लोग याद कर लीजिएगा, 4 4 याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर इनकेस केवल सिमिलैरिटीज पूछा तो आपको 4 पॉइंट याद है तो लिख दोगे तो 4 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए डिसिमिलैरिटीज पूछा तो अब तब भी आपका काम बन जाएगा, 4 पॉइंट याद करोगे, और दोनों साथ में पूछा तो दो दो पॉइंट लिख दोगे। ठीक है। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, राइट डाउन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखना बताओ, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सर इस चैप्टर से आप 4 क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा, तो आशा करते हैं आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है। तो चल क्लियर है, तो मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए क्या, जय हिंद।